हेलो भैया, मैं हूँ नवीन मालवीय और आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई बलेनों की। वैसे काफ़ी सारे वीडियोस मैं अभी तक बना चुका हूँ उसके, काफ़ी सारे मतलब टेस्ट वगैरह करे मैंने, काफ़ी सारे फीचर्स के वीडियो बनाए फीचर्स से रिलेटेड। तो आज मैंने सोचा कि यार भाई एक फुल डिटेल रिव्यू आपको दूँ। मैं फुल डिटेल रिव्यू अभी तक बनाया नहीं था मैंने, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल रिव्यू देखने को मिलेगा जिसमें गाड़ियों की बारीक बारीक चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो सामने से बात करूँ तो सामने से कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा भाई फीचरिस्टिक टाइप का है ना। फीचर को देखते हुए मारुति ने बलेनो लॉन्च करी अभी हाल ही में, मतलब एक साल पहले है ना, 2019 में लॉन्च हुई थी। जब से बलेनो की होड़ नहीं है भाई, इसके आगे कोई भी गाड़ी नहीं है। मतलब ये सबसे टॉप सेलिंग कार रह चुकी है कई बार, अभी भी सबसे ज़्यादा बिकती है। तो सामने से बात करें तो सामने आपको मिल जाएगा यहाँ पर भाई सुजुकी का लोगो, 3D टाइप की ऊपर आपको ग्रिल देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पर थोड़ा सा काम दिया गया है नीचे साइड में ना, नीचे साइड में फॉग लाइट इसमें आते नहीं है और ना ही क्रोम वाला आता है। डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको ग्रिल वगैरह देखने को मिल जाती है। लाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर में येलो लाइट देखने को मिलता है जो कि बढ़िया है। इसका थ्रो अगर फॉग लाइट अच्छा हो तो दोनों का थ्रो मिलके मतलब रात में बहुत बढ़िया बन जाता है। यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाता है और यहाँ ऊपर साइड में पार्किंग लाइट देखने को मिलता है भाई। तो ये सब चीज़ें थी सामने की तरफ से, तो सामने का लुक कुछ इस टाइप का आता है। अब बात कर लेते थोड़ी सी बाजू की, और यहाँ पर भाई टोइंग हुक आपको इस जगह पर देखने को मिलता है। बात करते हैं बाजू की, तो बाजू में आपको कुछ इस टाइप का इसका लुक है ओवरऑल। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM देखने को मिलेंगे। और नीचे की साइड की बात करूँ तो इसमें इसके टायर साइज की बात करूँ तो 185/65R 15 इंच के इसके टायर साइज मतलब टायर साइज मिलते हैं। एक इसमें मेरे को गड़बड़ लगी, जो अपोलो के टायर है भाई, इसकी जो ग्रिप है ना इसमें पत्थर फंस जाते हैं तो फिर वो डिस्टर्ब कर देता है सब काम। तो ये मेरे को अपोलो के टायर में दिक्कत लगी। MRF के देते तो बहुत बढ़िया होता। ये सब एसेसरीज का पार्ट है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है अपना, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, मतलब ये सब चीज़ें ना इसमें नहीं आती है। ये होगी बाजू की बात। क्वार्टर पैनल वगैरह देखने को मिल जाएगा, बेशक थोड़ी सी हाइट कम करी ऐसा लग रहा है मेरे को भी। ऊपर साइड में आपको एंटीना वगैरह देखने को मिल जाता है। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर क्रोम फिनिश का जो ये लगाया गया है ना, ये आफ्टर मार्केट वाला काम है भाई। सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पीछे लाइट मिल जाएगी, ये 3 टिपके और ये 4 LED, मतलब ये लाइट और ये अपना रिवर्स लाइट। तो ये कुछ था भाई। पीछे की साइड में रिफ्लेक्टर 2 देखने को मिल जाएंगे। 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ से देखने को मिलेंगे, 1, 2, ये 3 और ये नीचे 4। 4 पार्किंग सेंसर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा पीछे की साइड में, मतलब एसेसरीज भी मैंने अभी कम लगाई है। तो बूट स्पेस की बात करूँ तो भाई 318 लीटर की इसकी मतलब बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है जो कि भाई बहुत है। 318 लीटर मतलब ना इनफ है भाई, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस अगर आप फैमिली सहित कहीं घूमने जा रहे हो तो वो आपके लिए बहुत है भाई, है ना। 318 लीटर का बूट स्पेस मिलेगी। हाइट आपको 1500 mm की देखने को मिलेगी। विड्थ इसकी चौड़ाई 1745 mm की मिलेगी जो कि बहुत बढ़िया है। लेंथ आपको 3990 mm की मिलेगी। और सामने में आपको अगर सेफ्टी फीचर्स में ये भी आ जाते भाई ब्रेकिंग, तो सामने में आपको डिस्क मिलेंगे और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इसका भी बाजू का भी लुक कुछ इसी टाइप में है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं कराया है, सब स्टॉक में ही गाड़ी अभी खड़ी है, कुछ भी नहीं करवाया। अब अंदर बैठ के थोड़ी सी अंदर से बातें करते हैं। तब यहाँ की बातें कर रहे थे भाई, 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जिसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, फिर आपको जो भी चीज़ें देखनी है इसमें, व्हीकल अलर्ट मतलब अलार्म वगैरह जो जो अपने चलते हैं इसमें, आपका FM रेडियो, ब्लूटूथ, ऑक्स है ना, USB पोर्ट और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर के थ्रू चला सकते हो इसमें आपको, मतलब जो भी करना है ना इसमें आप मतलब सेटिंग भी कर सकते हो काफ़ी सारी, जो भी आपको करना है ना, वॉल्यूम से रिलेटेड काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाता है जो कि स्टॉक है, इसमें कोई भी डलवाया नहीं है बाहर से मैंने। स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर 4, मतलब एक तो यहाँ पर बदलने का मिल जाएगा, चेंज करने का, मोड चेंज करने का, ये गाने चेंज करने का, यहाँ म्यूट का मिल जाएगा। और कुछ इस टाइप की इसकी MID देखने को मिलती है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये किलोमीटर बता रही है, मतलब ये अपना ट्रिप है, ट्रिप भी ये टोटल ओवरऑल किलोमीटर। तीसरा यहाँ पर ये रेंज बता रही है और ये माइलेज,
मतलब 21.1 का भी माइलेज लोकल में दे रही है, मतलब बता रही है। अभी मैनुअल IRVM आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा, डोर हैंडल, तीनों में आपको डोर हैंडल देखने को मिलेंगे, या आपको पीला लाइट देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में आया तो कुछ इस टाइप के एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बढ़िया कूलिंग कर देते हैं। हजार्ड लाइट का स्विच आपको बीच में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने वाइपर के कंट्रोल, उस साइड में आपको लाइट और अपने उसके कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे फोग लाइट के। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया है, और मतलब होना चाहिए भाई आज के टाइम पे ना, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी ही होना चाहिए जो कि बढ़िया होता है। मैनुअल एसी इस टाइम पे बढ़िया नहीं है, वो भी बढ़िया है लेकिन भाई फीचर्स के हिसाब से ऑटोमेटिक ही होना चाहिए। यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाएगा जो कि कंपनी फिटेड है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, थोड़ी सी जगह यहाँ पर, और इस यहाँ पर थोड़ी सी जगह यहाँ पर आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। इंजन की भी बात करूँगा, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर जगह दी गई है। बोतल होल्डर सामने की तरफ में दोनों ही साइड में आपको देखने को मिलेंगे, और इस साइड में क्वार्टर पैनल थोड़ा सा छोटा सा, जो इसके डोर हैंडल है ये आपको ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलेंगे, क्रोम वाला काम नहीं किया गया इसमें। यहाँ पर भी आपको बोतल हैंडल होल्डर, चार आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे। ट्विटर आपको इसमें नहीं मिलेंगे इस वेरिएंट में, मतलब डेल्टा में। जेटा से आपको 9 inches का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, और प्लस उसमें 2 ट्विटर और 4 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह आपको इसमें मिलेगी, और इस साइड में भी आपको वाटर होल्डर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। BS 6.2 उसमें ये फीचर अच्छा लगा मेरे को, फीचर ही है एक प्रकार से ये सेफ्टी फीचर। बीच में आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जो 2 हेडरेस्ट तो इधर मिलेंगे ही, बीच में भी आपको हेडरेस्ट मिलेंगे, और यहाँ पर भी आपको सीट बेल्ट मिलेगा, इसमें भी सीट बेल्ट मिलेगा, और यहाँ पर भी, मतलब 3 पैसेंजर जो बैठे हैं पीछे, तीनों को आपको सीट बेल्ट पीछे की साइड में मिल जाएंगे। इसमें आपको पार्सल ट्रे भी कंपनी की तरफ से ही आती है, डलवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब बाहर से कुछ भी काम नहीं करवाना है। अभी मैंने भी कुछ भी काम नहीं करवाया, थोड़ा मोटा थोड़ा बहुत बस काम कराया है जो आपको बता रहा हूँ। ये आपको ये वाला, ये तीनों ही बटन मिल जाएगी, जो ये बढ़िया फीचर्स है। जैसे कहीं ट्रैफिक व्रफिक में खड़े अपन, तो न्यूट्रल करके अगर अपन ने क्लच छोड़ दिया तो अपनी गाड़ी बंद हो जाएगी, और दबा दिया तो, और दबाने के बाद गियर वेयर मार दिया तो गाड़ी चालू हो जाएगी वापस। तो इससे फ्यूल इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, फ्यूल की जो मतलब एवरेज बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, है ना। इसकी बात करें तो कुछ इस टाइप का इसका लुक है सामने का। ये सब सारी चीज़ों के बारे में मैं बता चुका हूँ। चारों ही पावर विंडो मिलेगी, ये ऑटो अप एंड ऑटो डाउन, मतलब 1 touch down और 1 touch up वाला सिस्टम इसमें मिलेगा। चारों ही पावर विंडो इसमें देखने को मिलेगी। लॉक अनलॉक की बटन मिलेगी, यहाँ पर आपको अगर अपनी विंडोज़ को लॉक करना है तो ये बटन मिल जाएगी। इसको फोल्ड अनफोल्ड करना है तो ये आप इस बटन के थ्रू कर सकते हो। तो ये अच्छा मतलब फीचर्स मेरे को लगा, और इसके थ्रू आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे आपको फीचर्स इसमें मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इंजन आपको 1200 cc का इंजन, मतलब 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिलता है इसमें, जो कि प्रोड्यूस करता है 88 BHP की पावर और 113 Nm टॉर्क, जो कि पिछली जो पुरानी बलेनो थी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है इसका। पहले 86 BHP निकाल के देती थी, लेकिन अब 88 BHP होगी, मतलब 88 BHP की पावर ये इंजन निकाल के देता है। तो यही कुछ था भाई वीडियो, आगे भी वीडियो आने वाले। अगर आप में से कोई भी भाई अपनी गाड़ी का रिव्यू वगैरह करवाना चाहता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज कर सकता है, DM कर सकता है। यही कुछ था हमारा वीडियो। अगर किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ फीचर्स के बारे में वीडियो चाहता है तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर DM करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।